हेलो दोस्तों, मैं आज टरबाइन की TRS रोलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये TRS रोलिंग में 500 मेगावाट BHEL टरबाइन के लिए बताऊंगा। चेकलिस्ट क्या है रोलिंग ए टी आर एस की, तो रोलिंग के लिए ये ज़रा जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या करना होता है। पहले मैं ये रोलिंग के लिए लेके आया हूँ वो हॉट स्टार्टअप को है। हॉट स्टार्टअप मतलब अगर हमारी यूनिट विद इन 8 आवर्स में आ रही है और हमारे केसिंग टेम्परेचर 350 के ऊपर है तो हॉट रोलअप कहते हैं उसे। तो हॉट स्टार्टअप के लिए हमारी जो चेकिंग है, चेकलिस्ट है रोलिंग के लिए, तो वो क्या क्या होने चाहिए। हमें कंडीशन पता होनी चाहिए यूनिट की क्या है। तो प्रेजेंट कंडीशन में प्रेफरली क्या क्या होना चाहिए, मशीन हमारी बारिंग पे होनी चाहिए। ओके, टरबाइन हमारी बारिंग पे है। MS टेम्परेचर 480 है, प्रेशर 90 kg है, HRS टेम्परेचर 460 डिग्री है, प्रेशर 9 kg है, 9 से 10 kg। लू वाल टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री है और कंट्रोल फ्लूइड टेम्परेचर 50 डिग्री से ज़्यादा है। और प्राइमरी वाटर कोल्ड गैस कंट्रोल फूड टेम्परेचर सभी हमारा ऑटो में पड़ा हुआ है और स्पीड कंट्रोलर हमारा एक्टिव है। तो हमारी प्रेजेंट कंडीशन जो है वो वाटर स्टार्टअप के पहले में क्या क्या देखना है वो ये कंडीशन देखनी है। अब हमारी चेकलिस्ट आगे क्या क्या देखनी है। टर्बाइन शुड बी इन रिसेट कंडीशन, ठीक है। टर्बाइन हमारी ट्रिप होती है तो हमारी 70% रहती है, तो उसको रिसेट करने के लिए स्टार्टिंग डिवाइस को जीरो लाते हैं। जीरो ला के उसको हम टर्बाइन को रिसेट करते हैं। तो उसको जीरो लाने के बाद हम उसको ट्रिप वाइज जनरेट करते हैं। ट्रिप वाइज जनरेट होता है तो वहीं पर हमारी टर्बाइन रिसेट हो जाती है। दूसरा कंडीशन में चेक कर लिए, स्टार्टिंग डिवाइस हमारा 0% है, स्पीड ब्रेकर हमारा 99 पर 100% है, यानी स्पीड ब्रेकर हमारा 100% खुला हुआ है और स्टार्टिंग डिवाइस हमारा 0% है। HPIP कंट्रोल वाल्व की जो फीडबैक है वो 0% शो कर रहा है। टरबाइन का जो थ्रॉटल प्रेशर है वो भी 0 kg सेट है अभी। अब उसके टरबाइन के जो वार्म अप ड्रेन्स होते हैं, माल 11 माल 12, वो ओपन कंडीशन में है और माल ड्रेन जितने भी हैं, जितने भी टरबाइन के हाई एनर्जी ड्रेन्स हैं वो सारे खुले हुए हैं। और हमारी जो SLC का लॉजिक कंट्रोलर है वो ड्रेन का, वो भी हमारा ऑन है। लोड कंट्रोल हमारा ऑन है, लिमिट प्रेशर मोड सेलेक्ट कर रखा है हमने, ठीक है। अब हमारे जो स्ट्रेनर्स के जो MS स्ट्रेनर्स और HRS स्ट्रेनर का जो ड्रेन है उनको भी हमारे ओपन फीडबैक शो कर रहे हैं और एक्चुअल में भी ओपन होने चाहिए। अब हमारा क्या जो STC में लोड रेफरेंस प्रेशर PR सेट पॉइंट होता है उसको हम 70 मेगावाट कर देंगे और PR मैक्स को 120 मेगावाट कर देंगे, ठीक है। अब हमारी जो HPIP ट्रिम डिवाइस को हमको ऑफ कर देंगे। अब हमारा TSC मार्जिन और को भी ऑन कर लेंगे और TSC इन्फ्लुएंस को भी ऑन कर लेंगे। हमारी STC की जो प्लंजर कॉयल है वो हमारा ऑफ नहीं होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, ठीक है। साथ में हमें चेक करना है कि हमारे X1 और X2 पैरामीटर, X पैरामीटर होते हैं रोलिंग के लिए, तो X1 X2 हमारा स्टॉप बल की ओपनिंग के लिए वो हमारे क्राइटेरिया में आने चाहिए। टेम्परेचर कर X3 X4 X5 को भी कंट्रोल ओपनिंग के लिए यूज़ करते हैं, 360 RPM लाने के, 360 या जो शॉकिंग स्पीड तक लाने के लिए यूज़ करते हैं। तो X3 X4 X5 ये भी हमारे फुलफिल होने चाहिए। सारे GRP जो जनरेटर रिले पैनल है उसमें जितने भी GRP रिले आते हैं उनको सेट कर दीजिए। ड्यूबल टेम्परेचर को वापस 45 करिए रोलिंग से पहले, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है स्टार्टिंग का ATRS का वो मैं ज़रा बताता हूँ आपको। सारे स्टार्ट परमिशन हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रही भी चेक करिए, और हमारे ATRS मेविक में नॉर्मल मोड सेलेक्टेड है वो है कि नहीं ये भी चेक करना होगा। अब हम क्या करेंगे, स्पीड हम 360 RPM ले जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे करें, क्या क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, जो SGC टरबाइन जो सीक्वेंस है, जो हमारे विंडो में जाके टरबाइन का जो SGC टरबाइन वाला टैब है उसको क्लिक करेंगे, वहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे, उसका प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे ऑटो या मैनुअल या सेमी ऑटो करके जो भी मोड है आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो आप ऑटो में से लेके ना कि सेमी ऑटो को सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद स्टार्ट करिए प्रोग्राम को स्टार्टअप क्लिक करके। अब हमें चेक करेंगे कि हमारे माल 11-12 स्टेप 3 में जाने के बाद क्लोज होता है। फिर ऑब्जर्व करिए स्टार्टिंग डिवाइस कमांड स्टेप नंबर 5 में बढ़ेगा। वहाँ पे स्टॉप वाल्व ओपनिंग हमारी स्टार्टिंग डिवाइस 42% जाएगी, यानी स्टार्टिंग डिवाइस हमारी 42% जाएगी वहाँ पे, और स्टार्ट HP का स्टॉप वाल्व खुल जाएगा। स्टेप 8 पे आते आते माल गैर आवर अपने से बंद होगा और स्टेप 9 में ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ हो जाएगी और IP स्टॉप वाल्व 56% जाके खुल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग डिवाइस हमारी 56% पहुँच के IP स्टॉप वाल्व खुल जाएगा। तो स्टेप 9 तक आते आते हमारे स्टार्टिंग डिवाइस 42% और 56% क्रॉस करते हुए HP स्टॉप वाल्व और IP स्टॉप वाल्व को खोल देगा। अब माल जो स्टेप 11 में क्या होगा कि माल 11-12 फिर से मैनुअल मोड में खुलेंगे। अब स्टेप 12 में जाके टरबाइन का स्पीड सेट पॉइंट इंक्रीज होकर 360 RPM चला जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली दिस एक्चुअल स्पीड से मैच कराएगा, ठीक है। होल्ड हमें वहाँ पे स्टेप 12 पे होल्ड करना है। अगर सेटिस्फाई क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई नहीं हुआ है, एक्स क्राइटेरिया जो हमारे रहते हैं सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो हमें तो वहाँ पे स्टेप 12 पे होल्ड करना होगा, ठीक है। अदरवाइज हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं अगर होल्ड कर चुका है।
अब हम क्या करना है, इंश्योर करना है क्लोजिंग और बायरिंग वाल एट 240 पे। जैसे जब 318 जा रहा है तो 240 RPM भी आएगा, 240 RPM पे हमारा बायरिंग का जो जो वाल है वो बंद हो जाना चाहिए। और जब कैसे पता चलेगा, ये क्लोज फीडबैक तो आएगा ही, साथ साथ एमओटी का लेवल भी बढ़ जाएगा। सोकिंग टाइम हॉट स्टार्टअप का 3 मिनट रहता है, 180 सेकंड का रहता है, और उसके बाद क्लोजिंग माल 11-12 की क्लोजिंग हो जाएगी। अब हम 318 RPM में पहुँच चुके हैं, अब हमें आगे स्पीड 3000 RPM ले जानी है। फिर हमें क्या करना है, इस आगे जाके चेक TSC का मार्जिन चेक करना है। TSC में जो हमारा स्ट्रेस मार्जिन है वो 30 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है। अब चेक करिए X6 क्राइटेरिया सेटिस्फाई है कि नहीं, इंश्योर करनी ओपनिंग ऑफ माल 11-12 इन मैनहोल, ठीक है। तो हमारा TSC मार्जिन 30 से ऊपर ज़्यादा है तो X6 क्राइटेरिया को चेक करिए, X6 हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए और इसमें हमारा माल 11-12 बार बार फिर से ओपन होगा। अब चेक कर स्पीड मार्जिन चेक करना है 600 MW/min है कि नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारा 600 MW/min से स्पीड मार्जिन हमारा होना चाहिए, सफिशेंट मार्जिन हमारा HP पास में होना चाहिए। स्विच ऑन करिए, ATDS प्रोग्राम को ऑटो स्टार्ट करिए, ठीक है। अब स्पीड सेट पॉइंट विल इंक्रीज 3000 RPM, ठीक है। अब इस अगले स्टेप में जो स्टेप 16 में है, जो हमारा स्पीड सेट पॉइंट है वो 3000 RPM की तरफ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक्चुअल स्पीड हमारी धीमे से बढ़ने लगेगी, ठीक है। जैसी हमारी स्पीड 3000 RPM के नज़दीक पहुँचती है तो ये प्रोग्राम को हमको ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो ये बड़े ध्यान वाली बात है, 3000 RPM पहुँच गया तो हमारा प्रोग्राम ऑफ कर दीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दौरान ऑफ जो 3000 RPM होगा तो जब स्पीड बढ़ेगी तो GOP को 540 RPM पे चेक करेंगे कि वहाँ पे GOP स्टॉप हो गया कि नहीं, और AOP का जो स्टॉपिंग है वह 2850 RPM पे चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3000 RPM आने पे चेक करेंगे वाइब्रेशन, बेयरिंग टेम्परेचर, अदर TSI पैरामीटर हमारे नॉर्मल है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इस दौरान क्या होता है कि ल्यूवेल का जो लिफ्टिंग होता है टैंक से जाके AOP चलता है, तो क्या ना कि फ़िल्टर चोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ल्यूवेल का जो फ़िल्टर है वो भी चेक कराएंगे, ठीक है। साथ ही साथ LP वापस को ऑटो में डाल देंगे सेट प्रेशर अराउंड 8 kg करके। आप चेक करेंगे, चेक फॉर HP एंड IP केसिंग DT, ठीक है। तो HP और IP का केसिंग DT है हमारा, वो 100 डिग्री, 95 डिग्री और 40 डिग्री दिया गया है, लेकिन आप 50 डिग्री के प्रेफरली नीचे रखिए। तो HP का 50, IP का 35 के नीचे रखिए, तो आपका HP IP के CDT हमारा चेक हो जाएगा। ये हमारा लूटेड चीज़ें हैं। अब हमारे पास 3000 RPM पे सारे X पैरामीटर फुलफिल हो गए, और X7 भी फुलफिल होने के बाद हम सिंक्रोनाइजेशन की तरफ जाएंगे। तो हमारा X7 जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है, तो यूनिट को सिंक्रोनाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं। तो अब हमें चेक करना है सिंक्रोनाइजेशन से पहले कि X7 आ गया, तो X7 आ गया तो आगे बढ़ेंगे। जब X7 आ गया तो हम क्या करेंगे कि फील्ड ब्रेकर को क्लोज करेंगे, जो फील्ड ब्रेकर क्लोज करेंगे वो एक्साइटेशन मोड को ऑन कर देंगे। इस कंडीशन में एक AVR हमारा ऑटो में चला जाएगा, ठीक है। एक्साइटेशन ऑन होने के बाद हमें वोल्टेज का जो बिल्डअप है, अगर 21 kV का हमारा जो स्टार्टर वोल्टेज है तो 90% ऑफ 21 kV 19 kV आ जाएगा। तो आगे थोड़ा सा बढ़ा के 21 kV कर लेंगे और इसको जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। आप सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल वर्टिकल पैनल से, वेल अब हमें क्या करना है, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि फील्ड सर्किट ब्रेकर जब क्लोज करते हैं तो हमारे जनरेटर के कूलिंग फैंस हैं वो चल जाने चाहिए, वो हम लोकल से इंश्योर करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंक्रोनाइजेशन करना है इन ऑटो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल वर्टिकल पैनल। आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए GCB को, जनरेटर सर्किट ब्रेकर को हम सेलेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल से। अब सिंक्रोस्कोप को ऑन करेंगे, ठीक है, और सारे उसको जो उसका जो मोड है सिलेक्शन की से उसको ATRS क्लिक सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे ऑटो सिंक्रोनाइजर फ्रॉम वर्टिकल पैनल या अपने ऑटोग्लास से जहाँ से भी, ऑटो सिंक्रोनाइजर टैप को ओपन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, सिलेक्ट GCB को सिलेक्ट किया, सिंक्रोस्कोप को ऑन किया और ATRS सिलेक्शन से सिलेक्शन की में ब्लास्ट डाल दिया, ठीक है। स्विच ऑन किया ऑटो सिंक्रोनाइजर अपने वर्टिकल पैनल से। अब GCB अपने से जब 12:12 o'clock आएगा तो अपने से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जब क्लोज होगा तो ग्रीन लैंप जलेगी, उस दौरान हमें स्पीड सेट पॉइंट को 15 RPM मैच पर लॉजिक से बढ़ा देना है। अगर नहीं देंगे, अगर पल्स नहीं पहुंचती है तो यूनिट ब्लॉक रूल पे नहीं आएगी, ठीक है। तो रिवर्स फॉरवर्ड पे ट्रिप कर सकती है यूनिट, तो ये एक पल्स कर देने से क्या है कि यूनिट हमारा ब्लॉक रूल ले लेती है और इस तरह से यूनिट हमारी सिंक्रोनाइज हो जाती है ग्रिड के साथ में। ये तो हमने कैसे सिंक करते हैं हमारा जान लिया। अब हमारे जैसे जस्ट सिंक करता है यूनिट तो उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी होती है इमीजिएटली आफ्टर सिंक्रोनाइजेशन, वो हमें अपने याद रखना है। क्या क्या करना है, हमें हमें इंक्रीज करना है
स्पीड रेफरेंस को, ठीक है, स्पीड रेफरेंस से मेंटेन यू लोड अराउंड 550 मेगावाट। जो मैं पहले बता चुका हूँ सिंक होते ही आपको एक पल्स दे देना है स्पीड रेफरेंस बढ़ा के, तो हमारा की ब्लॉड लॉक लोडिंग 50 मेगावाट आ जाएगी। आफ्टर इंश्योरिंग ऑल पैरामीटर्स आर नॉर्मल इंक्रीज द लोड सेट पॉइंट टू 70 से 75 मेगावाट, इंक्रीज द लोड रेफरेंस। एज जैसे जैसे प्रेशर बढ़ने लगता है फायरिंग के साथ में, तो हम धीमे धीरे लोड सेट पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पैरामीटर का सब कुछ नॉर्मल है, आगे बढ़ते जाएंगे। आप क्या करना है, चेंज ओवर करना है टर्बाइन कंट्रोल फ्रॉम स्पीड टू लोड पर इंक्रीज द लोड रेफरेंस। तो बता ही चुका कि आप लोड बढ़ाइए तो लोड रेफरेंस से तो आपका स्पीड से लोड पर आ जाएगा, ठीक है। वाइल चेंजिंग द कंट्रोल फॉर स्पीड टू लोड ऑलवेज इंश्योर द एलपीओ पास इज इन ऑटो। अब ऐसी कंडीशन ध्यान रखना है, जब हमारा चेंज ओवर हो चुका है तो एलपीओ पास हमारा बंद हो जाना चाहिए, एचपीओ पास बंद होना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की हंटिंग हमारी आईपी कंट्रोल वाल्स में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज लोड सेट पॉइंट सो दैट आईपीसी ओपनिंग 100%। हमेशा लोड बढ़ाते समय टाइम पर यह ध्यान रखना है कि आईपीसी भी किसी टाइम पर थ्रॉटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आईपी हमारा हमेशा 100% होना चाहिए, तो हंटिंग किसी तरह की आईपी कंट्रोल वाल में नहीं होगी, क्योंकि आईपी का अगर हंटिंग होती है तो लोड में बहुत ज़्यादा हंटिंग दिखेगी आपको, क्योंकि आईपी अगर बंद होने से आपका आईपी और एलपी दोनों टर्बाइन हमारी कट हो जाती हैं, ठीक है। तो करीब अगर आईपी अगर थ्रॉटल होता है तो आपको जो लोड का रिफ्लेक्शन है वो 75% के आसपास होता है। अब आफ्टर आईपीसीबी आफ्टर आईपीसीबी फुल ओपन इंक्रीज द लोड सेट पॉइंट फर्दर एंड स्लोली क्लोज द एचपी बाईपास, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द एचपी बाईपास क्लोज द एलपी बाईपास, ओके। आफ्टर आईपीसीबी फुल ओपन इंक्रीज द लोड सेट पॉइंट फर्दर स्लोली क्लोज द एचपी बाईपास। आफ्टर क्लोजिंग द एचपी बाईपास क्लोज द एलपी। आफ्टर यूनिट लोड मोर देन 150 मेगावाट ओनली कीप मशीन इन प्रेशर कंट्रोल इफ रिक्वायर्ड। चार्ज करिए उसके बाद एलपी और एचपी ड्रो को, ठीक है। तो हमें एच पी पास को क्लोज करना है, जब एच पी पास हमने क्लोज कर दिया उसके बाद एल पी पास क्लोज कर दिया, मैं बता ही चुका हूँ। यूनिट लो जहाँ 150 मेगावाट आ गया तो मशीन को प्रेशर कंट्रोल मोड से ले सकते हैं, ठीक है। और चार्ज कर लीजिए उसके बाद थिएटर एल पी टर एच पी टर जब है चार्ज कर लिए, यूनिट का चेंज ओवर कर लीजिए। तो ये टीआरएस रोलिंग आज कैसे करते हैं मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। और कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।